वेलकम बैक टू वीडियो ब्लॉग गाइस। सो आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, सो हम लोग अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाए थे, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको थोड़ा सेटअप भी दिखा देंगे और 4K रियलिटी में कुछ असर वाला है या फिर हमारे 3000 वेस्ट हुए, क्योंकि लाइट वर्जन ओनली 3000 या 2500 के आसपास का आई गेस, जिसके अंदर आपको एक नॉर्मल हाई डेफिनेशन क्वालिटी मिलती है। मैं 4K लाया, मेरा टीवी सपोर्ट कर रहा है, बाकी अब वीडियो क्वालिटी कैसी शो होती है वो सब अभी देखेंगे इसके अंदर। बाकी अब आओ अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो भाई ये हमारा फायर टीवी स्टिक का बॉक्स, आपने इसकी अनबॉक्सिंग पिछले व्लॉग में भी देखी होगी, क्योंकि क्रोमा वालों ने चेक ज़रूर कराया जाता है आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट लें। तो हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ से आने के बाद इसको डायरेक्ट अब ओपन कर रहे हैं। सो इसको खोलते हैं, एक नॉर्मल सा जो मैनुअल हर चीज़ के साथ आता है वो ये, और बाकी एक अडाप्टर है जो कि कनेक्ट होएगा। बाकी ये हमारा मेन जो बैंड बैक साइड में लगेगा, हमारा HDMI पे कनेक्ट होएगा ये। सो बेटर है अगर आपकी टीवी में दो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा दोनों चीज़ों के लिए, तो इसको डायरेक्ट अब उसी पे लगाते हैं जाके। बाकी ये हमारा रिमोट है, लाइट वर्जन में आपको यहाँ पे ये बटन्स कम मिलते हैं, आपको इसकी जगह डायरेक्ट यहाँ पे म्यूट मिल जाता है, और ये एलेक्सा वर्किंग है इसके अंदर, तो अभी वो सब यूज़ करके देखेंगे। बाकी हमें ये मिलता है साथ में ये एक और अमेजोन फायर टीवी स्टिक का ब्रिलियंट पिक्चर एलेक्सा वॉइस रिमोट, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको ओपन करके देखता हूँ। वही कमांड्स वगैरह दी हुई हैं इसके अंदर, और बाकी हमें ये जो केबल उसके साथ कनेक्ट होगी हमारे मतलब बैंड के साथ वो कनेक्शन, और ये किस चीज़ के लिए खुल नहीं रहा। तो गाइज ये भी वही HDMI कनेक्टर है, HDMI टू HDMI कनेक्टर ही दे रखा है, पता नहीं इसका क्या यूज़ है। बाकी अब उसको लगा के देखते हैं, HDMI टू HDMI ही है, वहाँ नहीं लगा तो हमारे किसी काम ही आएगा। तो बाकी अब आपसे सेटअप के अंदर मिलते हैं, और इसके साथ हमें दो सेल भी दिए हैं भाई, क्या बात है, अमेजोन नाइस वर्क, अमेजोन की सेल है भाई, अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन बेसिक्स का सामान बहुत अच्छा होता है भाई, कोई भी पावर अडाप्टर कुछ भी चाहिए हो मंगवाओ, बहुत यूज़फुल है, मैं खुद इसी के मंगवाता हूँ, इवन स्लीव तक मैंने इन्हीं की मंगवाई है, अच्छी क्वालिटी होती है। तो बाकी ये रिमोट है हमारा, बाकी सेटअप के अंदर मिलते हैं आपको। सो गाइस यहाँ से मैं आपको थोड़ा सेटअप का ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड हुआ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी फायर टीवी का हुआ था हमारा, उसको डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगा, दैट्स वाई ये 20x स्पीड से चल रहा है। सो काफ़ी टाइम लगा उसको डाउनलोड होने के बाद, और इंस्टॉल अलग से हुए। सो उसके बाद फिर अपना वही वाईफाई नेटवर्क वगैरह कनेक्ट करना होता है, जो कैजुअल चीज़ें हैं वो तो होती हैं। उसके बाद आपको अपना अमेजोन अकाउंट लॉगिन करना है अगर आपका है तो, मैंने वो हाइड कर रखा है, ID पासवर्ड आपको अपना डालना है, आप लॉगिन हो जाओगे उसके अंदर। उसके बाद आपका अमेज़ॉन फायर टीवी वो रजिस्टर करेगा अपने मतलब अमेज़ॉन अकाउंट के साथ आपके, फिर ये आप देख सकते हो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप चाहते हो आपकी फायर टीवी स्टिक आपकी हो जाए, तो मैंने उसके अंदर येस कर रखा है, और वाईफाई पासवर्ड्स सेव, जिससे कि अगर सेम फ़ोन में होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली, और मेरा कोई बैकअप था नहीं। बाकी ये जो 4K पेरेंटल कंट्रोल की मुझे ज़रूरत है नहीं, और बाकी ये भाई कैजुअल जो होती हैं। बाकी रिमोट का फिर सेटअप हुआ, और रिमोट की भाई जो बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा इनिशियलाइज हो जाता है, इवन आप अपना टीवी ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम कम ज़्यादा इसी अमेज़ॉन टीवी का जो रिमोट है इसी से आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी लाइट वर्जन में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, ये एक डिफरेंस था इन दोनों के अंदर। डायरेक्ट आप वॉल्यूम यहीं से कर सकते हो, सेकेंडरी रिमोट की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ भाई, आप कौन सी ऐप्स चाहते हो जो आप मतलब यूज़ करोगे, तो गाइज मेरे पास जिस जिसकी सब्सक्रिप्शन थी मैंने वो इसके अंदर सिलेक्ट कर ली थी, यूट्यूब नेटफ्लिक्स अब और सोनी लिव हो गया गाइज, जिस जिसकी सब्सक्रिप्शन है उसी को करो यार, बाकी कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी Z5 मैंने सिलेक्ट की थी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर वोट हम लोगों ने सिलेक्ट की, उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार सिलेक्ट किया, MX प्लेयर सिलेक्ट किया, जियो सिनेमा सिलेक्ट किया। सो मतलब मेन मेन चीज़ें जो भी थी वो सिलेक्ट की, एयरटेल एक्सट्रीम की मेरे पास थी नहीं तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पेज पे गया, मैंने सोचा कर ही लेते हैं यार, कौन बार बार सिलेक्ट करता रहेगा। तो उसके बाद मैंने फिर मतलब हर पेज के ऊपर डिफरेंट टाइप की ऐप्स थी, सो मैंने देखी, और उसके बाद मतलब जो जो मेरा मेन था वो सिलेक्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा अब कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, एंड आफ्टर दैट उसने पूछा कि फॉलोइंग होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएंगी, तो मैंने कंटिन्यू किया। डाटा मॉनिटरिंग के लिए मैंने सेटअप लेटर किया था, क्योंकि वही बेस्ट था भाई, और बाकी हाईएस्ट क्वालिटी तो चाहिए थी, तो क्या डाटा को उसको करता। सो इंट्रोड्यूसिंग वगैरह जो मेन कोई भी चीज़ स्टार्ट होने से पहले एक बार वो ज़रूर बताता है, तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया, तो शार आप देख सकते हो लिखा आ चुका है वहाँ पे। बाकी भाई होम स्क्रीन के ऊपर ही मूवीज़ बताता रहता है, जिस जिसकी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास पहले मैंने, उसके बाद जो मेरा मेन प्रोसेस था इस सब के बाद, मैंने हर ऐप के अंदर जाके अपनी जो भी लॉगिन डिटेल्स थी वो सब की हुई हैं, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार Z5 जो भी मेरी मतलब डिटेल्स थी उसके बाद वही एंटर हुई हैं बेसिकली। बाकी मैंने यूट्यूब खोला है सबसे पहले आप लोगों को दिखाने के लिए, पहले डाउनलोड होएगा, और अब सबसे पहले मैं इसके अंदर खोलूँगा VT Vlogs, और भाई रियलिटी बता रहा हूँ, आज मेरे को इसको यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 2-3 वीक्स हो चुके हैं, क्वालिटी इज़ लिट गाइस, बहुत OP क्वालिटी कहते हैं ना इसे, ओवरपावर्ड, बहुत प्यारी क्वालिटी है, और 4K और लाइट वर्जन दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज मेरे कज़न के पास लाइट वर्जन था, सो मैंने उस पर देखा है बहुत डिफरेंस है क्वालिटी के अंदर, ये लिटरली
बहुत मतलब रियलिटी में बहुत अच्छी चलती है, बट आपका टीवी 4K को सपोर्ट करेगा तभी फ़ायदा है, वरना नो नीड गाइस, आपको एक्स्ट्रा अपने 2500 3000 पे करने की, अगर टीवी सपोर्ट करेगा तो ही आपको इसका फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे यूट्यूब खोल लिया हमने, अब आप वीडियो व्लॉग्स की थोड़ी सी झलक देखोगे। बाकी गाइस इसका जो मतलब चलने वाला सिस्टम है अंदर, जो कीबोर्ड वगैरह मेन ऐप्स के आते हैं, ये ABCD जो लिखी हुई है डायरेक्ट वही PS4 जैसा कॉपी पेस्ट, सेम वही ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका भी मेरे हिसाब से, क्योंकि ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सर्च कर रहा है। मे बी सारी टीवीज के लिए ऐसे ही होता होगा, ये भी रीज़न हो सकता है। सो अभी VT व्लॉग सर्च कर रहे हैं, और ये हमारा वाला VT व्लॉग जीरा 971 थे गाइस, आज आप लोगों की वैसे 1000 वी हैव क्रॉस्ड। सो मैंने सोचा व्लॉग ही प्ले करता हूँ, तो देखते हैं कौन सा व्लॉग प्ले किया था हमने, किया था हाँ वेलकमिंग डैड वाला। सो प्ले करके अब आप इसकी थोड़ी सी झलक देखो क्लियरिटी की, ये देखो लेवल देखो आप क्लियरिटी का, इसमें पता नहीं इतना दिख रहा है या नहीं, बट बहुत खतरनाक जो क्लियरिटी कहते हैं ना वो थी। बाकी गाइस एलेक्सा बहुत प्यारा काम कर रहा है, कोई वो नहीं है, एकदम मस्त एकदम, और काम कर रहे हैं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट वॉइस हो जाती है, कुछ भी कुछ नहीं, जो बोलोगे एग्जैक्ट वही चीज़ खोलता है, बहुत रेयर है एक आधी बार कुछ करता है, बाकी ऐप का नाम लेके अगर आप चीज़ बोलोगे तो एग्जैक्ट सेम चीज़ खोल देता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे अलग होंगी हॉटस्टार पे अलग होंगी, तो आप ऐप का नाम लेके ओपन ऐप जो भी नाम है और उसके बाद जो भी उसके अंदर देखना चाहते हो। सो गाइज ये एक छोटी सी झलक है जो आपको मैंने दिखाई है, जस्ट अ ग्लिम्प्स। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you did?